चलिए आज आपको कराते हैं बुलेट की राइड। आज करेंगे हम बुलेट से बर्डिंग। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग। और बेसिकली वैसे मेरा आज का मेन टारगेट है स्पॉट बैलिट ईगल आउल। एक बहुत बड़ा आउल है तो वो मेरा आज बेसिकली टारगेट है 7 ताल से। सो हम जा रहे हैं 7 ताल ट्रेल की तरफ। तो देखिए चलते हैं आगे, अभी तो ढूंढना पड़ेगा उसे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अभी मुझे एक बार फिर से सर्च करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि वो पेड़ों के मिडिल पार्ट में बैठता है और पत्तों के बीच में छुप के बैठता है, जिसे दिन में देखना थोड़ा मुश्किल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी अपने आसपास ढूंढने की। अभी बज गए हैं सुबह के 9, सो देखते हैं होपफुली मिल जाए। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का फॉरेस्ट। पेड़ टूटा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे ही हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। चारों तरफ हरियाली है आजकल, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है फॉरेस्ट भी। ढूंढने में थोड़ा तो मशक्क़त लगेगी उसे। उसको बोलते हैं फॉरेस्ट ईगल आउल भी बोलते हैं उसको, और बहुत ही बड़ा आउल है और बहुत ही खूबसूरत भी। तो सबका एक ही कमेंट रहता है कि आप जंगलों में ही अकेले निकल जाते हो तो क्या आपको डर नहीं लगता। सो बेसिकली डर लगता है, बट जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं ना, तो उनके साथ में हमें कभी डर नहीं लगता। तो ये नेचर, ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, ये जानवर, ये इन सब से मुझे बहुत प्यार है, तो मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता। अगर आप कहीं जंगल में जा रहे हो तो सावधानी ज़रूर बरतें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओ ओ ओ, वन सेकेंड, ये दिख रहा है आपको वाइट, ये वाइट, ये पूरा, ये स्पॉट बैली डीगल आउल ने सिट किया होगा, तो शायद ये उसकी पॉटी है, तो शायद कल रात वो इस ब्रांच पे बैठा होगा। ये हमें डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि हम उसके आसपास ही हैं, तो कोशिश करता हूँ मैं उसे ढूंढने की। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत बढ़िया इंडिकेशन दिया है, तो इससे बेसिकली हम आउल्स का पता लगाते हैं। तो चलिए मेरे साथ आगे की तरफ। आजकल जोंक बहुत लग रही है, लीचेस, तो बी केयरफुल जब भी आप मानसून में फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे आसपास व्हाइट थ्रॉटेड लाफिंग थ्रस का एक फ्लॉक है, आवाज़ कर रहा है, देखो ये देखिए उड़ के जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। और आप लोग देख सकते हैं मेरे आसपास का फॉरेस्ट, कितना सुंदर फॉरेस्ट है ना। सो इट्स कॉल्ड मिक्स फॉरेस्ट। ये देखिए व्हाइट थ्रॉटेड लाफिंग थ्रस उड़ के आया, तो ये फॉरेस्ट है तो बहुत सुंदर। और ये बर्ड्स जो लगातार आवाज़ कर रही हैं, ये मुझे इंडिकेट कर रही हैं कि इनके आसपास आउल या ईगल्स, ओके, तो हम उनको रैप्टर्स भी बोलते हैं बेसिकली। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, जिस बर्ड के पीछे, जिस आउल के पीछे मैं अभी घूम रहा हूँ, तो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ अभी यहाँ पर, तो मैं उसको पहले भी कॉर्बेट में खींच चुका हूँ काफ़ी बार। कॉर्बेट में भी वो मिलता है, और आपने अगर आप कॉर्बेट विज़िट किया होगा तो ढिकाला फॉरेस्ट में वो मिलता है। ढिकाला जोन जो है कॉर्बेट का, वहाँ पे उसकी साइटिंग्स कंटिन्यूस रहती है। मुझे ऐसा लग रहा है जोंक लग गई है पाँव में। ओ दिखाता हूँ मैं आपको, वन सेकेंड। इस ये वाली तो बहुत बड़ी है, देखिए कितनी बड़ी है। मैं बोल रहा था आपको कि जोंक लगी है, तो ये चीज़ें कॉमन है जंगल के अंदर। तो चलिए चलते हैं
एक बार अगर फिर से साइटिंग हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर से कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वाह, तो देखा आपने सांबर डियर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आगे की तरफ। वाह, वो एक सांबर डियर था, बड़ा गाय के, जितनी बड़ी गाय होती है ना उतना ही बड़ा साइज़ होता है उसका, तो उसे बोलते हैं सांबर डियर। उसी के जैसा एक और स्पीसीज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिरो। सो ये तो था सांबर डियर, और उसी के जैसा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं हिमालयन सिरो। तो आज तो असली परीक्षा हो गई, पिछले एक घंटे से लगातार ढूंढने के बाद अभी तक नहीं मिला, पसीने छुड़वा दिए भाई। और ये चढ़ाई चढ़ाई देख रहे हो आप, बहुत चढ़ाई है, क्या लगता है मिलेगा नहीं मिलेगा? मुश्किल लग रहा है, बट कोशिश तो करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा और ऊपर। यहाँ से नीचे तो गली दिख रही है पूरी, ये उसका पूरा उसका ही हैबिटेट है। आपको बताऊं दोस्तों, मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ पिछले 7 साल से, तो तकरीबन मैं इस एरिया की तो ऑलमोस्ट सारी बर्ड्स कवर कर चुका हूँ, जितनी भी बर्ड्स हैं मैंने देख ली है इस एरिया की, और फोटोग्राफ्स भी है मेरे पास ऑलमोस्ट सारी। तो मैं कोशिश करता हूँ घर कम से कम बैठने की, और क्योंकि आजकल टूर्स भी ऑफ हैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सप्लोर करें थोड़ा और फील्ड में, क्योंकि इससे आप मेंटली भी फिट रहते हो और फिज़िकली भी आप फिटनेस आपकी बनी रहती है, तो इसीलिए यही मेरा सीक्रेट है फिटनेस का। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ, मिला तो मिला, नहीं मिला तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो बर्ड मिले ना मिले, लेकिन ये व्यू तो देखते ही बनता है दोस्तों। वाह, खुला नीला आसमान, उसमें बादलों की वो लेयर, और ये बर्ड्स की आवाज, चारों तरफ हरा भरा जंगल। सो इतनी कोशिश करने के बाद भी नाकामयाबी, ये तो अच्छा नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर बर्ड ना मिले, मोस्ट प्रॉबली मुझे मिल ही जाते हैं बर्ड्स, बट आउल्स के साथ बहुत प्रॉब्लम रहती है, इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे हम। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो ईगल आउल तो नहीं मिला, तो कोशिश करूँगा आपको अगले व्लॉग में दिखा पाएँ, थोड़ा और मेहनत करेंगे। तो होप सभी आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, व्लॉग तो क्या ही अच्छा लगा होगा, बट ये जो व्यू है ना, इस व्यू के मज़े लीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ इन सुंदर जंगलों के बीच। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ, नाकामयाब कोशिश। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।